subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्राइम टाइम एज यूजुअल टेक टीवी पे। और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव एक सेगमेंट और एपिसोड लेकर आए हैं आज हम। आप केल में है कि पाकिस्तान का बजट 2020-2021 जो है वो इस वक्त ज़ेर बहस है, और उसके साथ साथ जो कारकर्दगी है हुकूमत की माशी और इक्तिसादी तौर पर, वो भी एक सवालिया निशान बन के खड़ी हुई है। ये सारे मामला ज़ाहिर है कि ना तो मैं माहिर इक्तिसादियात हूँ, ना ही माहिर माशियात हूँ, फाइनेंस से मेरा बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ नहीं है, इस हद तक कि जहाँ पे मुल्क की कौमों के फ़ैसले होते हैं, और कौमों के फ़ैसले ज़ाहिर है कि जो बुनियादी शहरग होती है वो फाइनेंस होता है, इसलिए हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ज़ाहिर है किसी ऐसे माहिर की ज़रूरत होती है जिसकी इस पर ना सिर्फ ग्रिप हो, गहरी नज़र हो, तजर्बा हो, वसी तजर्बा हो, और सियासी और इक्तिसादी दोनों जानिब उनकी गहरी ग्रिप हो। हमारे साथ इस वक्त लंदन से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब जुड़ेंगे, और वो तफसील से आज इस पे बात करेंगे। ड्राई टॉपिक को हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि ये आपकी और हमारी और हमारे वहाँ रहने वाले 22 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों का मामला है, मुस्तकबिल का मामला है, फ्यूचर का मामला है, और उनकी रोज़गार का और रोज़मर्रा के मामला का मामला है। इसहाक़ डार साहब को खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। जो इस वक्त पाकिस्तान के हमने ग्राफ देखा, पिछला भी देखा और अभी भी देख रहे हैं कि 16, 17, 18 तक तो मामला सही रहे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वहाँ तक लेकर आए थे आप लोग। इसमें मैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाह रहा, ना मेरा कोई सियासी ताल्लुक़ है, ना आपकी जमात से, ना किसी और की जमात से, लेकिन मैं फैक्ट्स बेस अगर बात करूँ, सच और हक बात करूँ, तो लगता यही है कि पाकिस्तान को आप लोग एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे ले आए थे जो कि इससे पहले नहीं था, बावजूद तमाम मुश्किलात के, बावजूद तमाम वॉर ऑन टेरर के, बावजूद तमाम कर्जाजात के, आप लोगों ने उसको मेंटेन किया था। ऐसी क्या वजह हुई कि इमरान खान, जो कि 22 साल की एक्सपीरियंस टीम तैयार करके ड्रीम टीम लेकर आए, और उसको एकदम नोज डाइव कर दिया, ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुदुबुन सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। सदीकी साहब, बात यह है कि हर कोई यही तवक्को कर रहा था, हम भी यही तवक्को कर रहे थे कि जिस तरह इलेक्शन से पहले, मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता कि इलेक्शन के ऊपर बहुत सवालिया निशान है, तो इनको पता था कि ये आ रहे हैं। ये कहते थे हमारे पास तो जी 200 मईशत दानों की टीम है, हमारे पास अफलातून है, अरस्तू हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि इस हुकूमत के पास ना कोई तजर्बा था, ना कोई इनको प्लान था, ना विजन थी, ना कोई तैयारी थी। तो ये अपनी बुनियादी चीज़ों के फैसले भी नहीं कर पा रहे थे कि IMF के पास जाना है, IMF के पास नहीं जाना जी। तो ये जो बजट इस वक्त इन्होंने दिया है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कई हवाले से है। एक तो ये डायरेक्शनलेस है, दूसरा जिसकी आपने जिक्र किया कि जी ग्रोथ जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में हम 5.8% में पाकिस्तान को ले गए, और अब बात ये थी कि अगली आने वाली हुकूमतें उसको 7-8% पे लेके जाती, जो कि पाकिस्तान का पोटेंशियल है। लेकिन हमारी फ्लॉड और फेल्ड मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज की वजह से आज हम पहला साल जो PTI का था, ये सारी कौम को और दुनिया को इन्होंने यानी मिसगाइड किया, मिस इन्फॉर्म किया कि जी 3.3% ग्रोथ है। अब जो ग्राउंड रियलिटीज थी और जो मुल्क में गुर्बत, महंगाई और लोगों की जो है यानी यू नो रिएक्शन और अफरा तफरी, वो ये इंडिकेट करती थी कि ये 3.3% ग्रोथ के साथ तो पाकिस्तान बेहतर होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने रफली 3 की यू नो उसमें टेरिटरी में अपनी GDP ग्रोथ छोड़ी थी, तो इतने बुरे हालात उस वक्त भी नहीं थे। तो वो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो बजट बनाया है वो तो सिर्फ बैलेंस किया है नंबर्स वंबर्स को, उसमें जिस चीज की आपने निशानदेही की, तो मैं यही परेशान हूं कि एक तो ये ग्रोथ जिसके लिए जो मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उसके लिए इनको चाहिए था कि ये इसमें नजर आता कि इसमें कोई रिफॉर्म्स ऐसे लिए हैं, मेजर्स लिए हैं कि जिससे
जो ग्रोथ है वो यानी ये वापस जाएगी जी। तो बदकिस्मती से 68 ईयर्स के बाद, 68 साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हमारी इस वक्त दूसरा साल जो पीटीआई का है वो हुकूमत खुद अब कह चुकी है ये मनफी ग्रोथ होगी। पहले साल में 3.3% बताया गया लेकिन अल्टीमेटली वो खत्म हुई जाके 1.9% पे। चंद हफ्ते पहले इन्होंने अनाउंस किया जी वो फाइनल फिगर ये है, तो वो बड़ा शौक था हर के लिए और हम पहले कहते थे कि 3.3 लगता नहीं है कि ठीक है। अभी जो दूसरा साल था जो अभी इन्होंने 4% प्रोजेक्ट किया था कि हम आपको ग्रोथ देंगे, वो अभी 0.38%, यानी राउंड ऑफ करेंगे तो 0.4% मंथली ग्रोथ ना, ये 68 ईयर्स के बाद हुई है और ये सीरियस लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसी से आपके मौशी जो है इंडिकेटर्स निकलेंगे, इसी से आपकी मौशी तरक्की का एक लेवल नजर आएगा, इसी से इंफ्रास्ट्रक्चर आपके रिफ्लेक्ट होंगे, इसी से आपकी गुर्बत खत्म होगी, इसी से आपकी पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी। तो यानी कि अगर मैं आपसे आसान अल्फाज में, आसान लफ्जों में अगर एक चीज पूछूं जो कि एक आम किसान, एक हारी, एक तालिबे इल्म उसको उसकी समझ में है कि अगर ये सिचुएशन, ये नंबर्स दुनिया की किसी और रियासत में होते, अगर ये मामला जो कि मनफी की 0.4 पे हम जा रहे हैं, ये सूरत हाल किसी और मुल्क की रियासत की निगरानी में होते तो वो लोग क्या करते? वो लोग इस वक्त घर होते जी, आई मीन गवर्नमेंट वुड हैव रिजाइंड, गवर्नमेंट वुड हैव रिजाइंड। हाँ जी, आपने जब 1.9% पहले साल को 3.3% करके सारी दुनिया को बताया, पाकिस्तानी कौम को बताया, और आप पूरा साल डाउन द लाइन जाके आप कहते हैं नहीं जी वो 1.9% है, तो हम तो पहले यही कहते थे। अब दूसरा जो है जो ये 0.38 या 0.4 राउंड ऑफ करके जो है नेगेटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ये 2.6% नेगेटिव ग्रोथ होगी, ये जो साल खत्म होने जा रहा है ना जी चंद दिनों, 2.6% नेगेटिव, 6% नेगेटिव। गवर्नमेंट कह रही है 0.4% या 3.8% प्रसाइज, -0.4 और ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है -2.6। मैं अपने तौर पे ये फील करता हूं कि ये एनीवेयर बिटवीन 1 से 1.5% मंथली ग्रोथ होगी और ये नंबर रिवाइज करेंगे जाके फिर दोबारा, जैसे पहले साल के किए अब इन्होंने ये नंबर दे दिया, डाउन द लाइन जाके करेंगे। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। हमने सिद्दीकी साहब, जैसे मैंने अर्ज किया ना, ये आपका मदर ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जी। सारे जहाँ आपके इशारे होंगे ये उसकी रिफ्लेक्शन होगी, इसलिए सारी दुनिया GDP ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है और बहुत ज्यादा वो एक जरा सी भी उसमें नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी मीन के यानी डिक्लाइन, नेगेटिव तो ये तो प्योर नेगेटिव में चला गया, डिक्लाइन और चीज है, नेगेटिव होना वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव है ना जी, वो तो बहुत ही अनसस्टेनेबल है जी। तो ये हमने 5 साल में पाकिस्तान की जो GDP थी उसको 84 बिलियन के से बढ़ाया, हमने इंक्रीज किया। इन्होंने इसी GDP को अपने 2 साल में $51 बिलियन से रिड्यूस कर दिया, तो ये बड़ा लंबा फिक्रिया है। हमने $315 बिलियन पे छोड़ा था पाकिस्तान की GDP का साइज, इन्होंने वो $264 बिलियन पे लिया, $264 बिलियन। लेकिन इसमें तो वो कहते हैं PTI और उनके जो माहरीन हैं वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने कर्जे बहुत लिए थे और उन कर्जों की बदौलत अपने आप को संभाला था या सहारा दिया था और इन्होंने कर्जे जात में कमी किए शायद। ये कर्जों की एक तो यह है कि GDP से कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है, कर्जों का हुजम अगर बढ़ता है तो वो एक्सप्लेन हो सकता है, उसकी वजह से इंटरेस्ट अगर कोई इम्पैक्ट है तो वो उसको डिस्कस किया जा सकता है। ये बड़ी बदकिस्मती है जी कि PTI एक्चुअली बहुत ही कैजुअल सियासत करती है मुल्की मामलात के ऊपर, कि जैसे आपको याद होगा कि 2014 में जो पहला धरना था एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, वो था जी 4 हलके और 35 पंक्चर जी, उधर फेरा फेरी हुई है। और ये अभी इन्होंने जब से हुकूमत संभाली है ये एक अपोजिशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये कहते हैं जी कि करप्शन और कर्जे करप्शन, जिसका आपने भी जिक्र फरमाया जी। अब कर्जों को देख लेते हैं, कल भी आपने जैसे नोट किया होगा कि मशीर खजाना ने प्रेस को जब ब्रीफिंग दी तो कहा जी कि हमने 5,000 अरब के पिछली हुकूमत के कर्जे वापस किए हैं जी। अच्छा, अब ये हकीकत नहीं है, ये मिस स्टेटमेंट है। अच्छा। हो सकते हैं उन्होंने 5,000 वापस किए हों जी, लेकिन आप कर्जों की वापसी जो है वो तो आपको जब बजट में सप्लीमेंट्री ग्रांट होगी तो आपको
यानी बहुत बड़ा नंबर मिलेगा जो कर्जे वापस साल में हुए, वो ये होता है कि अगर 3 महीने का ट्रेड ही मिल लेते हैं जी, और उसको आप जब पे करेंगे तो सारे के सारे रीपेमेंट में गिने जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर इन्होंने हमारे 5,000 के, आपने देखना यह किसी भी हुकूमत का कि जी वो जब आई थी तो कर्जे कितने थे और किसी पॉइंट इन टाइम पे कर्जे कितने हैं, वो रिफ्लेक्ट करेगी कि उस हुकूमत ने इतने ज्यादा मुल्क के ऊपर नए कर्जे लिए। ठीक। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि इन्होंने जब आया तो जो पाकिस्तान के कर्जे जो थे, इनके अपने डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, वो 24,900 बिलियन जब जून के 18 के इख्तिताम पे थे कर्जे, ग्रॉस पब्लिक डेट। अब उसके अगेंस्ट चलें ये नहीं ले रहे, दे आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, कानून में तो होता है, 1900 अरब स्टेट बैंक में पड़े हुए थे, यानी कैश अवेलेबल फॉर यूज, आप कर्जा लेके एकदम से नहीं इस्तेमाल कर लेते। बिल्कुल। तो वो माइनस करें तो 23,000 थे। अब इन्होंने 24,900 को जब आप आज कंपेयर करते हैं ना जी, ये अब तक के ये किधर पहुंचे हैं, ठीक है, 35,200 अरब पे ये कर्जा लेके जा चुके हैं, जिसका मतलब है कि 10,300 अरब इन्होंने नेट कर्जों में इजाफा कर दिया। जब आप कर्जा लेके नया पुराना पे करेंगे तो उसमें कर्जे में इजाफा नहीं होगा। आई होप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़ा सिंपल तरीके के साथ जी जी, कि अगर आपने एक बैंक से 1,000 कर्जा लिया हुआ है और 100 आपने वापस करना है, नए से 100 लिया तो वो 100 उसको दे दिया है, तो एक बैंक में 900 होगा, दूसरे में 100 होगा, तो 1,000 ही होना कर्जा आपका। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक, समझ गया। मतलब जो बोझ, जो बोझ है वो तो वही है $1,000 का, जो अगर है तो वो टोटल। अब ये मुस्लिम लीग नून के जो कर्जों की बात करते हैं 5,000 अरब जी हमने इनके दिए अब तक, तो वो इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि जो इनके कर्जों में इजाफा है जब इन्होंने लिया 24,900 और आज जहां खड़े हैं 35,200, तो वो जो 10,200 में इसके मतलब 15,200 के नए कर्जे लिए, 5,000 पुराने कर्जे पे किए, लेकिन नेट जो कर्जो हो जब है और ऊपर ले गए। अच्छा, ये जो दलील देते हैं ना, ये दलील जो देते हैं कि हम पिछले खसारे को पूरा कर रहे हैं, हम पिछले कर्जों को उतार रहे हैं, जो हम पे बोझ छोड़ के गई थी, जो टूटी हुई, लेकिन नहीं, मेरा सवाल ये कि ये तो जनाब पाकिस्तान में गुज़िश्ता 60-65 साल से होता चला आ रहा है कि जब एक हुकूमत जाती है, चाहे वो किसी आमिर की हुकूमत हो या किसी जमहूरी हुकूमत हो, पिछले वो एक कंटिन्यूटी होती है, एक तसलसल होता है, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि हमने चूँकि पिछले उतारने थे इसलिए हमारी परफॉर्मेंस इतनी पोर हुई, एक कंसिस्टेंट लेवल तो बरकरार रहता है। आपने देखा होगा जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट 19-20 रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 19-20 के बजाय वो जीरो और मनफी में चला जाए, ये एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। असल में अनीस साहब, अगर पैटी पॉलिटिक्स करनी हो जैसे ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपोजिशन से ये काम शुरू किया हुआ ना, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, ये नॉर्थ अमेरिका में भी आए तो इतनी बड़ी मजमे को इन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान कर्जों में डूब चुका है, ये बाहर के मुल्कों में गए, हालांकि हमारे कर्जे को अनसस्टेनेबल नहीं थे। या मुस्लिम लीग देखिए, कर्जों का नंबर आपने कभी नहीं सुने कि अमेरिका का कितना कर्जा है, जापान का कितना कर्जा है, चाइना का कितना कर्जा है, वो कहेंगे आपको परसेंटेज टू जीडीपी, आपकी जो मजमुई आमदनी है उसका इतना है। अब जब हमने छोड़ा तो वो 72% था कर्जा, यानी डेट टू जीडीपी 72% हमारी मजमुई कौमी आमदनी का एक साल का उसका 72% था, आज ये 86% पे ले जा चुके हैं। तो वो भी जो है फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का 100% से ज्यादा 107-108% है, जापान का 225% है, 200% से ऊपर है जी। तो ये मुल्क को मलाइन करने की इनको विदाउट रियलाइजिंग कि ये क्या करते रहे अपोजिशन में, और अभी हुकूमत में आने के बाद भी वही बात कर रहे हैं। तो ये कर्जे जो है, अगर दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी कर्जे, हर हुकूमत लेती है, पीपल्स पार्टी ने अपने जमाने में करीबन 8,500 कर्जों में इजाफा किया, कर्जे कभी उतरते नहीं है, अनलेस कि आपका गोल्ड निकला है या कोई बहुत ही कोई सोना निकला, एसेट्स तो अगर आपके पास को एसेट एंड रिसोर्सेज बढ़ गए हैं जी, तो आप 8,500 5 साल में उन्होंने लिया, हमने 5 साल में करीबन 9,200 के करीब हम केयर टेकर अपने खाते में डाले, 9,500 अरब हमने कर्जा बढ़ाया। ये तो एक यानी 2 साल के अंदर इन्होंने 10,200 अरब ले चुके हैं। तो ये कहा करते थे जी ये पर डे इतना कर्जा है पीपल्स पार्टी का, और हमारा 5-5.5 बिलियन है, और इनका जो है वो करीबन 18 बिलियन रोजाना का कर्जा ऐड हो रहा है। तो इन्होंने एक और बात जो है जो पाकिस्तान को मलाइन की ग्लोबली, वो ये कहते रहे, इन्होंने एक नंबर हायर पिक किया, डेट वो होता है जो जब लिया जाए तो पाकिस्तान की कौम के खजाने में आता है, सेंट्रल बैंक जो हमारा स्टेट बैंक है जिसका नाम जी। और जब आप उसको वापस करते हैं, जब भी उसकी ड्यू डेट होती है, साल 2 साल 5 साल जब भी, तो वापस उसी रास्ते से वापस जाता है। ठीक है।
अब एक होती है हमारी लाइबिलिटीज मुल्क की, कि जी प्राइवेट सेक्टर ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाए हुए हैं, उस तरह की चीजें, वो पाकिस्तान का कर्जा नहीं है, वो उन्होंने कर्जा खुद अदा करना है। इन्होंने नंबर बैलून करने के लिए और मलाइन करने के लिए पाकिस्तान को, पिछली हुकूमत को, इन्होंने वो नंबर लिया, हर जगह पे जाके बात की, वो था 29,800 जी, वो 24,900 रुपए 29,800, और उसको राउंड ऑफ करके इमरान न्याजी साहब हर जगह कहते रहे जी ये हुकूमत 30,000 अरब रुपए कर्जा छोड़ के गई है। अब आप इनको पूछें कि अगर वो डेट एंड लाइबिलिटी से आज नंबर लें, वो 43,000 अरब पे जा चुका है जी, 42,800 टू बी प्रिसाइज, राउंड ऑफ 43,000 अरब। यानी उधर से अगर आप डेट दें, जो कि प्योर डेट, जो सही डेफिनेशन है कानून और जो पे करनी है, वो है हमारी 24,900, लेकिन 1900 अरब मुस्लिम लीग नून के एंड जब अदवार खत्म हुआ तो स्टेट बैंक में अवेलेबल थे, इस्तेमाल ही हुए थे अभी, और अभी इन्होंने ये ले गए उसको 35,200 पे, और जो डेट एंड लाइबिलिटीज हैं वो 30,000 से उठा के 43,000 पे ले गए। तो दोनों जगह पे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं दूसरी जो इनकी ज्यादती जो है, जो इन्होंने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम के साथ जो जुल्म किया है, वो इन्होंने एक आर्टिफिशियल डिवेल्यूएशन की है पाकिस्तान की करेंसी की। अच्छा, वो करंसी जो हम आसान लफ्ज़ आसान अल्फाज में अगर समझाएं हमारे नाज़रीन को, तो क्या मतलब डिवेल्यूएशन? यानी डॉलर डॉलर हमारा बेसिकली, चूंकि डॉलर के साथ कंपेयर करते हैं सारी दुनिया, तो डॉलर हमारा जो 115 रुपए का था जब हमने छोड़ा जी, वो करीबन 165 रुपए पे ले गए हैं। अब जो 50 रुपए की, जो 50 रुपए का, यानी कि मैं ये सवाल करूं सागर साहब, अगर आपकी हुकूमत होती तो क्या ये 165 पे नहीं आता, कंसीडरिंग द फैक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एवरीथिंग एंड ऑयल प्राइसेस? मैं उस बहस पे आता हूं, लेकिन मैं पहला अगर इजाजत दे मैं आपको यूएस को एक्सप्लेन कर दूं। जी जी। तो वो जो 165 और 115 का फर्क है ना, 50 रुपए का फर्क जो है, वो जो आपके बैरूनी कर्जे हैं जो 110 बिलियन पे ये ले गए हैं बैरूनी कर्जे और अदायगियां, तो आप जब उसको 50 से ज़रब देंगे तो आप ये 5,500 अरब रुपए का आपने पाकिस्तान के ऊपर बोझ डाल दिया, 55 रुपए लिए बगैर। ठीक है जो आपने फरमाया नहीं, बिल्कुल ना होता, ये अनरियलिस्टिक है, ये इन्होंने डिक्टेशन ली है बैरूनी यानी अदारों से, और इन्होंने, हमने तो कभी नहीं ली, हमारे जमाने में तो ब्लूमबर्ग ने क्या लिखा, 12 दिसंबर 2017 को आप जरा ब्लूमबर्ग गूगल करें और देखें कि पाकिस्तान के बारे में ब्लूमबर्ग ने क्या कहा हुआ है। पाकिस्तान करेंसी वॉज द मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया सिंस 2014। अच्छा, हम 2013 में आए थे तो जब मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी और सारा यानी उस वक्त सब परेशानी थी और डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, सॉवरेन डिफॉल्ट की, तो जब हमने अपने आप को यानी सोलिडिफाई किया, एक्शन लिए, IMF प्रोग्राम किया, रिफॉर्म शुरू किए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए, तो उसके नतीजे में हमारा जो 111 तक गया था वो 104 पे आया, पहले तो 98 पे आया। तो हमने करीबन हमने टेक ओवर किया 99 और हमारा मियां नवाज़ के जाने तक 4 साल में ये 104-105 में के करीब था। हमारे मियां साहब के जाने के बाद और मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद ये फिर एक साल में 115 पे गया। उस वक्त के जो सूडो, मैं कहता हूँ कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो टेलीविजन पे आके आप भी सुनते होंगे, वो कहते थे जी इसकी इसकी फेयर वैल्यू 120 है जी। मुझे को बताया कि वो फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे भी समझ आ जाए, मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी अपने ग्रेजुएशन में भी और अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये जो सेल्फ स्लाइड इन्होंने किया ना, ये इन्होंने फॉरेन डिक्टेशन ली है। अच्छा। और ये इतना बड़ा पाकिस्तान का इन्होंने नुकसान कर दिया है, जितनी आपकी महंगाई है उसी से ट्रिगर हुई है, जितनी आपकी इन्फ्लेशन के साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर गई उसी की वजह से हुई है। ठीक है, आपकी जितनी इस वक्त इकोनॉमी के ऊपर जो बोझ पड़ा है वो उसी की वजह से हुआ है, तो ये अपनी पॉलिसीज है ये। अच्छा, ये फिर मुझे समझ में, आवाम को मैं बताना चाह रहा हूँ, आवाम को सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत के फर्क आने से, एक नून की हुकूमत जाने से और PTI की हुकूमत के आने से ये फ़र्क हुआ है, इससे कोई ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं है, कोई दुनिया के आलमी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कारकर्दगी का फेलियर है जो कि एक हुकूमत के जाने से दूसरी हुकूमत के आने से हुआ। ये लोगों को समझ में आनी चाहिए बात, और उन लोगों को भी समझ में आनी चाहिए जो इस तरह के लोगों को इंस्टॉल करते हैं, तंसीब करते हैं उनकी। आज हम आपको, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान का बजट जो है वो डिबेट होगी, पेश होने जा रहा है,
और हम इस प्रोग्राम के आखिर में इसहाक डार साहब से जानना चाहेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग उनको सुन रहे हैं कि अब भी वक्त है कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो इसहाक डार साहब, हमने पब्लिक डेट की बात की, आपने GDP का बताया, नया बजट पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान की मईशत की डायरेक्शन को तय करेगा, तो आप कैसा देख रहे हैं कि ये जो आने वाले दिन हैं, साल हैं, महीने हैं, ये किस तरफ जाएंगी, लोगों पे कितना बोझ पड़ेगा, हमारी आम जिंदगियों पे क्या क्या इसके असरात होंगे इस हुकूमत को अगर इसी तरह से जारी रखा गया और इन्होंने कोई तब्दीलियां ना की तो? देखिए, हमारा अनीस साहब जो सबसे सीरियस मसला है ना, दो साल में इस हुकूमत के आने के बाद, जी पहले मैं अपनी अर्ज कर देता हूँ, वो किसी भी घर भी हो, एक घर हो ना जी या एक अदारा हो, उसका जो उसकी जो आउटकम निकलेगी कि वो किस तरह जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, मसाइल है नहीं है, वो उसकी आमदनी अखराजात का होगा। सिंपल सी बात, एक घर में भी आमदनी के ज्यादा अखराजात होंगे तो आप मसले में आ जाएंगे, अखराजात से इजाफे की वजह से आपको अवेलेबल कर्ज ही लेने पड़ेंगे। अच्छा, इस हमने अपने 5 साल दौर में 2013-18 में हमने पाकिस्तान की टैक्सेस कलेक्शन, जो हमारी मेन रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है बल्कि वो तो बहुत थोड़ा है, वो हमने 1946 अरब से उठा के 3842 अरब पे ले गए। ये आपके व्यूअर्स को और को बहुत जरूरी है ये एक्सप्लेन करना। और 3842 अरब पे इमरान नियाजी साहब ने पब्लिक स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ही इज ऑन रिकॉर्ड कि मैं इनको इसको डबल करूंगा एक साल में, इस मुल्क का पोटेंशियल है, यानी ये करीबन 8000 रुपए की, इन्होंने 8000 अरब की बात की हुई है कि ये 8000 अरब कम से कम टैक्स इकट्ठा होगा। अच्छा, अब आ जाते परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस क्या है कि परफॉर्मेंस में पहले साल जैसे हमने GDP का बहुत बदकिस्मत देखा, 68 साल के बाद क्या हुआ GDP के साथ, तो पाकिस्तान की टैक्सेस कलेक्शन जो है वो 23 साल के बाद पहली दफा मनफी ग्रोथ हुई इनके पहले साल में जी। जो जून 2019 को खत्म हुआ ना जी, तो उसमें इनकी मनफी ग्रोथ थी 1%। ये हमारा 3842 के अगेंस्ट इनका अपना नंबर है, मैं नहीं दे रहा, 3829 इन्होंने कलेक्ट किया अगेंस्ट 3842 मिलियन। एक तो ये हमारी प्रॉब्लम आ गई, इन्होंने हमें रोजी पिक्चर दिखाई नेक्स्ट ईयर की, विच वॉज नाउ क्लोजिंग दिस ईयर। ठीक, इन्होंने कहा 5555 अरब इकट्ठा करेंगे, फिर इन्होंने इसको डाउनवर्ड रिवाइज किया, एक रिवीजन, दो रिवीजन, तीन रिवीजन। अभी मशीर खजाना ने जो अनाउंस किया है और जो बजट के इन्होंने फाइनल नंबर इस साल का दिया है, ये कह रहे हैं 3908 अरब पे जाएंगे। इमेजिन करें 5555 और 3908, विच इज रफली द सेम जी। हमने 3842 पे छोड़ा, अगर 3908 होंगे तो हमें देयर इज हार्डली एनी चेंज, आपने यानी 66 मिलने से तो कुछ लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता ना जी। ठीक है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी आमदनी की पोजीशन कि हम अपने मुल्क की टैक्सेस की आमदनी इन दो साल में जो करीबन 19-20% बढ़ी थी हम नहीं बढ़ा सके। ठीक है, हालांकि हमारी हुकूमत ने 200 अरब से ज्यादा टैक्स नहीं लगाए किसी साल में, इन्होंने पहले साल में 740 अरब के टैक्स लगाए, तो ये समझ से बाला तार है कि ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है कि ये यानी इन्फ्लेशन भी एक कंट्रीब्यूट करती है, वो डबल डिजिट में थी 14% पे, GDP चले 3 थी 2, अब 1.9 रह गई, तो वो तो ऑटो कंट्रीब्यूटर होते हैं आपके इंक्रीज करने में। ठीक है, तो ये एक तो हमारी आमदनी का ही हाल। दूसरी तरफ इन्होंने कहा था हम अखराजात पे बेपनाह कटौती करेंगे, यानी अखराजात को हम बढ़ने नहीं देंगे, हम आपने सुनी है सारी तकरीरें, मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपना आखिरी साल जो हमारे अखराजात थे हमने इसको छोड़ा जी 4704 अरब के ऊपर, 4404 बिलियन वाज अवर करंट एक्सपेंडिचर, नॉट टोटल, इज डेवलपमेंट नहीं है इसमें, करंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये उसको ले गए 6372 बिलियन के ऊपर, इस साल जो क्लोज हो रहा है इट इज 6372, which is 35% increase. तो खर्चे जो बढ़े हैं, ये खर्चे जो बढ़ाए हैं इन्होंने, ये खर्चे किस मद में बढ़ गए? ये तो वो थे जो कि छोटी सी एक काबीना रखने चाह रहे थे, ये तो वो थे जो यूनिवर्सिटियां बनाना चाहते, ये तो वो थे जो गाय भैंसे बेच रहे थे, गाड़ियां बेच रहे थे, जी भैंसे बेची इन्होंने, गाड़ियां बेची, फिर उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने खर्च किए, फिर खरीदने के लिए जो दूध अब तक ये खर्च कर चुके हैं वो चंद है, वो सारा ड्रामा था ना जी, इट वॉज ऑल पोलिटिकल गेमिंग।
ठीक है अब लोगों को समझ आ रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही, आपके अखराजात में 35% इजाफा हुआ है, 4,000 से 6,000 पे आ गया, उसका नेचुरल जो नतीजा है 6,372 जी, उसका नेचुरल नतीजा ये है कि आपका जो बजट खजाना है वो आसमान पे चला गया। वो जो बजट खजाना जो हम 2260 का था, वो ये बजट खजाना 3,916 रुपए ले गए। ठीक तो है, ये हमारी असल इशू है, इसको हमने रिजॉल्व करना था, इसको हैंडल करना था। अब पहले इन्होंने मार्च 2020 तक ये हुकूमत हर चीज पिछली हुकूमत पे डालती थी कि जी बस हम तो मर गए उस हुकूमत की वजह से जी। पिछली हुकूमत। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में जब भी चेंज ओवर हुई है एक गवर्नमेंट से दूसरी, अब सबके निकाल ले नंबर्स, पीटीआई हैड द बेस्ट इकोनॉमिक नंबर्स जब ये गवर्नमेंट में आई है। पाकिस्तान इकोनॉमी वाज एट बेस्ट, यानी कि जो टप टेक ओवर किया इन्होंने, जब इन्होंने टेक ओवर किया, और उस वक्त हम नहीं, दुनिया के तमाम अदारे पाकिस्तान की तारीफ करते थे। दुनिया के तमाम अदारे जहां आप बैठे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका है, आपके तमाम अदारे। और इवेंचुअली 2016 में जब हम बिल्कुल हमारे इन यू नो मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी खत्म हुई, हम मैक्रो स्टेबल हो गए, हम बॉन्ड मार्केट में चले गए, हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रोल आउट कर दी पाकिस्तान में, ऑक्शन करके 3G 4G जो पहले हुकूमत अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी सारे काम। तो हमें क्या नवीद मिली, खुशखबरी मिली पाकिस्तानी कौम को 2016 में, प्राइस वाटर हाउस जो कूपर्स वर्ल्ड रिनाउंड अदारा है कि G20 में पाकिस्तान जाएगा 2030 में, जिस टाइम जा रहे थे टेक ऑफ किया हुआ था, तो पाकिस्तान में भी पार्ट ऑफ G20, और जहां आप बैठे हैं कनाडा में, और इटालियन इकोनॉमी हमारे पीछे होनी थी 2030 में, वी वुड हैव बीन 18th इकोनॉमी। अब ये बड़ी बदकिस्मती है कि वही मुल्क है और वही निजाम है, सिर्फ हुकूमत बदली है, गवर्नेंस में फेलियर आया है, और मिस गवर्नेंस के साथ साथ आप कुछ स्कैम्स भी सुनते होंगे, कभी चीनी का, कभी आटे का, कभी कोई। तो मैं समझता हूँ अल्लाह की बरकती भी है इसमें शामिल। तो अब हमें जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है चंद हफ्ते पहले, वो कह रही है पाकिस्तान विल बी 54th इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी इन 2034। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है अनीस साहब जी, बिल्कुल आप सबके लिए भी लम्हा फिक्रिया है, जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बाहर भी हैं उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। तो आपने मुझे पूछा था मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि ना इसमें ग्रोथ के लिए मुझे को मैयत नजर है इस बजट में कि GDP ग्रोथ हमारी वापस जाए, ये कह रहे हैं 2.1, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये 2.1% अगले साल भी ग्रोथ होगी। वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी कह रहे हैं कि अगले साल 0.2% मनफी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो इनके जो इस बजट के हवाले से जो इसमें है कोई मीनिंगफुल मैयस नहीं है कि जिससे हमारी ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव या कोई मीनिंगफुल हो जाए, 2.1% ही हो जाए। अच्छा, तो मैं इससे पहले कि आपके मैसेज की तरफ आऊँ और आप इसका कोई सोल्यूशन पेश कर सकें वो मैं एंड में करूँगा, मेरे पास कुछ और भी ऐसे लोगों ने भी सवालात दिए हैं जो कि हम आपसे जानना चाहेंगे आसान अल्फाज में। एक तो ये कि पाकिस्तान का जो, आपको मालूम है कि हमारे ज़्यादातर लोग कम आमदनी वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो फीकस आमदनी है पाकिस्तान की कंपेरिजन फ्राम मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब और आपकी हुकूमत एज़ टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हुकूमत, फीकस आमदनी और अनएम्प्लॉयमेंट, हम कहाँ खड़े हुए हैं कंपैरिजन एक आसान अल्फाज में अगर आप समझा दें मुझे। मैं बड़े सिंपल 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 अर्ज कर देता हूँ जी। अनीस साहब, जब हम आए थे, जिस साथी ने आप हमारे साथी ने सवाल पूछा, मैं मशहूर हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है। जब हम आए थे तो पाकिस्तान की जो पर कैपिटल इनकम थी करीबन $1,334 फीकस आमदनी थी। ठीक है, हमने 5 साल में इसको बढ़ा के $1,652 पे लेके, यानी $318 का इजाफा हुआ। ठीक है, यानी पर 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 जो है ना जी, इस ऑलमोस्ट 24% इजाफा। ठीक है, कि हमने 1334 से हम ले गए 1652 पे, तो ये तो हमारी हमारी आपके सामने नंबर्स हैं जी। ठीक है, अब ये 2 साल में हम कहां पहुंचे हैं वो भी अर्ज कर देता हूं। अब ये 1652 से हम वापस 2 साल में 1355 पे आ गए हैं। अच्छा, ठीक, तो ये $297 की कमी आई है 2 साल में। नॉर्मली एक जनरल रूल ऑफ थंब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली 1-2 साल 3 साल के बाद इजाफा ही होता है आमतौर पे, एक नॉर्मल। हमारा तो हर साल इजाफा हो रहा था ना जी।
अगर आपकी मईशत पॉजिटिव तरक्की कर रही है तो हर साल जितना भी आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी आपके आपकी फी का सामने इजाफा होगा। तो इसहाक डर साहब, ये तो बड़ी बड़ी खतरनाक बात है कि आपके आपकी आमदनी कम हो गई है और महंगाई बढ़ गई है। ये दो साल में फी का सामनी जो है वो $297 कम हुई है, हमने $318 उसमें इजाफा किया था। मैं एक आम आदमी सोचता हूँ कि मेरी आमदनी तो कम हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, प्राइसेस बढ़ गई हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, सब चीज़ें बढ़ गई हैं, तो मैं गुजारा कैसे करूंगा? तो और आने वाले दिनों में भी कोई ये ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा, तो जो गरीब है वो तो मजीद पिसता रहेगा, फिर किसान तो पिसता रहेगा। फिर देखिए, इसीलिए लोग इस वक्त अफरा तफरी में है ना जी, जिन्होंने जेन्युइनली इनके नारों में, इनकी तकरीरों में आके इनको वोट दिया था। आप मीडिया के माशाल्लाह बड़े सीनियर अपना साथी हैं मीडिया के लोगों के, आप जरा फीडबैक आपको आती होगी। बिल्कुल, आज वो लोग झूलियां उठा के इनको बददुआएं दे रहे हैं और माफी मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमने इनको क्यों वोट दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो किस लिए? हमारे प्यार में तो नहीं, वो इसलिए कि आज जो इसकी दो चीजें मैं आपको अर्ज कर देता हूं, आपको इसमें बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। एक तो ये है कि जो एसेंशियल आइटम्स है ना जी डेली यूज की लोगों की, उसमें आटा, चीनी, चावल, मूंग की दाल, अपना घी, आपका गैस का बिल, बिजली का बिल, ये 15 आइटम्स की एक बास्केट है जी, मोस्ट सेंसिटिव आइटम्स की, जो गरीब से गरीब घराने में भी जरूरत होती है डेली। बिल्कुल, हमने इतनी टाइट रखा हुआ था अपने सारे मॉनेटरी पॉलिसी को और अपने फिस्कल पॉलिसी को और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मुल्क में, कि हमने फूड इन्फ्लेशन 1% छोड़ी थी, 1% फूड इन्फ्लेशन, और ये 15 आइटम की जो पूरा एक बास्केट है जी, जिसमें बिजली गैस के बिल भी हैं खाने पीने की चीजों के अलावा, उसमें हमने अपने 5 साल में 4% कमी की। अच्छा, अब ये हमारे जो साथी इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट चला रहे हैं, इन्होंने चंद महीने पहले तो इन्होंने फूड इन्फ्लेशन देहातों में 24% पे ले गए जी, और शहरों में ये 20% पे ले आए तकरीबन। अभी ये कम होकर 14% और 10% रह गया जी, और वो जो बास्केट है उसमें इन्होंने जो हमने कीमतें ना सिर्फ बढ़ने नहीं दी एवरेज टोटल बास्केट की, बल्कि 4% कमी हुई, ये 46% इजाफा कर चुके हैं जी। ये इसी वजह से इस वक्त आम आदमी जो है ना उसका जीना मुहाल हो चुका है पाकिस्तान में, जो उसकी आप जिक्र फरमा रहे हैं जी, जी, और आप जहां बैठे हुए हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड को आप देख लें, महजब जितनी दुनिया है वो अपने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को कम अज कम जो इन्फ्लेशन होती है कई मुल्कों में तो ऑटो है जी, कि अगर 2.89% अगर CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उनको ऑटोमेटिकली अगला राउंडेड फिगर 3% इंक्रीज मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। उनको यानी गवर्नमेंट की उन्होंने पॉलिसीज बनाई हुई है जी। हमारे मुल्क में इस वक्त भी जो इनकी इन्फ्लेशन है, ये COVID-19 की वजह से, कोरोना की वजह से नीचे हमारा डिमांड है और इस वक्त लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो उसके बावजूद ये करीबन डबल डिजिट में है, 11.2%। ठीक है। और इन्होंने ये अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन और पेंशनर को हम कोई इस साल कोई सैलरी में इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा तकलीफ देह है। आपने दूसरी बात पूछी थी अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, जो कि बड़ा ही सेंसिटिव एक इंडिकेटर होता है आपके मुल्कों में, वो नंबर आते हैं जॉबलेस के और जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट हिल जाती है उस दिन, पॉजिटिव या नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी जब हमारी हुकूमत छोड़ी तो हमारी थी 5.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट मुल्क का, अभी ये 8.5% हो चुका है जी। ओके, इसमें यानी आप कह लें कि 47% इजाफा हुआ है, 5.8 से ये 8.5% जो है, ये 47% इजाफा जी अनएम्प्लॉयमेंट नंबर में। और इस वक्त हुकूमत खुद प्रेडिक्ट कर रही है कि जी COVID-19 की वजह से हमारे जो सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हैं उसमें 57% पाकिस्तान की आबादी जो है वो हिट होगी। ठीक है, यानी मतलब तो है 57% 56.9 है, 57% राउंडेड ऑफ जी। और दूसरा ये कह रहे हैं कि 12 से 19 मिलियन लोग मजीद बेरोजगार होंगे। अच्छा, इस कोरोना की वजह से। तो अनीस साहब, ये बड़ी सीरियस इसकी इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है पाकिस्तान में, बहुत ही परेशानी वाले हालात है मेरे नजदीक।
और आप हम उसको डिस्टेंस में बैठ के देख सकते हैं कि हम किधर इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि ये जो सारा मामला है ना जी, जिस तरह इस वक्त मुल्क चल रहा है, ये खुदा ना खास्ता एक सिविल डिसोबीडियंस की तरफ ये मामला जा सकता है, जिस तरह लोगों की तकलीफ है, जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं। अब आप देखें कि पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम की है, यानी अभी भी जब $60 का पेट्रोल था 50-60 के दरमियान, हमारी कीमत पेट्रोल की 65 रुपीज थी उस वक्त लीटर जी, अभी दुनिया में 10 से 15 गया। एक तो उन्होंने हेजिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, चलें अभी इनकी हमसे ज्यादा कीमत है 72-73 रुपीज है, लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, उसके आप देखते होंगे लंबी लंबी लाइनें, कतारें हैं, बिल्कुल आटे के लिए कतारें हैं। चीनी का जो हाल है कि इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, गरीब अवाम की जेब से $100 अरब रुपए लूट लिए गए और गवर्नमेंट की कान पे जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि वो सारे माफिया उसके अंदर बैठे हुए हैं। यानी ये परमिशन देते हैं एक्सपोर्ट की, जबकि मुल्क में जायद सरप्लस स्टॉक नहीं है, और उसकी वजह से कीमत जो है, जो हमारे 5 साल में स्टेबल है, 52 से 55 के अंदर है रेंज में, जब हम गए भी हैं, हमने भी एक्सपोर्ट की परमिशन दी। इन्होंने ना सिर्फ एक्सपोर्ट की परमिशन उस वक्त दी जब देनी नहीं चाहिए थी, गलत परमिशन दी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, कैबिनेट ने इमरान नियाज़ी साहब की सदारत में उसको एंडोर्स किया, अप्रूव किया, तो उसके नतीजे में कीमत ऊपर जाए, उस वक्त ही रोक लें आप, एक्शन लें जी, बुलाएं उनको। तो आप ये देखें कि हमारा जो है ना जी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान को मिसगवर्न किया जा रहा है, जिस तरह इसको यानी फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ एक डिजास्टर्स पॉइंट पे हम ऑलरेडी ले हैं 2 साल में, इस बजट में उसकी कोरेक्टिव मेजर्स होने चाहिए थे कि हम इसको रिवर्स कैसे करेंगे। अच्छा, एक जहन में सवाल उठता है मेरे और लोगों के भी होता है कि जो फेलियर होते हैं, ज़्यादातर वो माहरीन की कमी होती है, शख्सियात की कमी होती है, या गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन हमने देखा कि इन्होंने बाहर से लोगों को लेकर आए, हफीज़ शेख साहब को लेकर आए और अपनी टीम बदली, इन्होंने सब कुछ किया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ एक नून लीग की हुकूमत हट जाने से, इसहाक़ डार साहब का पस मंज़र से हट जाने से और नई टीम के आने का से ये फेलियर हुआ है, या इसके पीछे कोई और अवामिल कार फरमाए? देखिए, इसमें लैक ऑफ विल है नहीं साहब, आपको अपने मुल्क के लिए लड़ना होता है। कौन अपने मुल्क को जो है वो इस तरह नेगेटिव ग्रोथ देखना चाहेगा? सर मुझे समझाएं ना। मैं किसी की लॉयल्टी पे शक नहीं कर रहा, लेकिन तारीख को तो आप नहीं बदल सकते ना। मैंने तो नहीं कहा था विदाउट रिस्पेक्ट टू हफीज़ शेख साहब कि इसने मुल्क, उसने इमरान नियाज़ी साहब ने कहा था ना अपने बहुत बड़े जलसे में जी, जरदारी साहब को, और उनको जब 2013 में हम वर्चुअली सारी दुनिया ने हमारे साथ बिजनेस बंद कर दिया, वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान में जो इनफ्लो थी फॉरेन बिल्कुल जीरो हो गई, तो इसीलिए तो उन्होंने, लोगों ने कैलकुलेट किया था कि इनके पास इतने पैसे हैं, ये पैसे इन्होंने देने अगले 6 महीने में 7 महीने में, तो उन्होंने कहा था ये जनवरी फरवरी जो भी हुकूमत आएगी मुल्क सॉवरेन डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा। ये मैं समझता हूँ कि हमारी प्रूडेंट पॉलिसी, मियां नवाज शरीफ की क्यादत में हमारी इकोनॉमिक टीम ने पूरी भरपूर मेहनत की और अल्लाह के फल से उसमें पाकिस्तान को निकाल लिया, तो वो शायद जानबूझ के ना कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा कोई जानबूझ के, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये फेलियर कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि एक इमरान खान की, तो इमरान खान तो खजाना नहीं चला रहे, उसके पीछे टीम है, इदारे हैं, मिनिस्ट्री है, बैंक, स्टेट बैंक है, तो ये सारा फेलियर क्यों हुआ? ऐसी देखिए, कोई तो एक जिम्मेदारी देंगे ना, हम किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे ना। वो फ्लॉड पॉलिसी है ना जी, हमें कोई जरूरत नहीं थी हम रुपए को डिवैल्यू करते, किक स्टार्ट तो वहां से हुआ, इन्होंने डिवैल्यू से इसलिए की के जी हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, बुकिश थ्योरी है ये। मैं कभी भी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इस आर्गुमेंट से कभी नहीं, मैंने भी पढ़ा है वो इकोनॉमिक्स में जो इन्होंने पढ़ा है, बट इट डजंट वर्क, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। तो हमने जब IMF का प्रोग्राम खत्म किया तो हमने टारगेट सब्सिडी, हमारी एक्सपोर्ट 8% है हमारी पूरी इकोनॉमी के साइज की, ठीक है, तो हमने उसको जो उसके इनपुट्स थे उस पर हमने करीबन 10 रुपए उनका बनता था, वो हमने कहा जी जो $1 कमाएगा एक्सपोर्ट का उसको हम 10 रुपए देगी हुकूमत, तो वो 247 अरब था, 180 अरब मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझसे दिलवाया, और फिर शाहिद ख़ाकान नवाजी साहब ने एक और पैकेज दिलवाया चंद महीने के बाद, उससे हमारी एक्सपोर्ट 12.7% बढ़ी, ठीक है, 2017-2018 में। लेकिन इनके होते हुए हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पहले साल में -2%, यानी हमने 5.5 अरब की हिट ले ली, ये सिर्फ
डिवेल्यूशन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का आर्गुमेंट था कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, हमारी तो नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब हमारी पॉलिसी तो ठीक थी स्टेबल करेंसी रखने की। तो ये जो पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसी तो नाकाम है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट हम लेके आसमान के ऊपर, हमने छोड़ा था 6.25% पे, ये लेके 13.25% पे। वो आपकी बगैर कुछ किए हुए आपकी जो डेट सर्विस आप कर्जों के ऊपर जो आपने सूद अदा करना था वो आपने 1500 अरब से उठा के जाके आपने 3300 पे एस्टिमेटेड था, लेकिन कोरोना की वजह से जो एक अच्छी हुई, बड़ी मुश्किल से रजिस्ट करते हुए ये जो हमारे इंपोर्टेड टीम है इसने फिर बड़ी मुश्किल से उसको 8% पर लाया 3-4 फेजेस में। सारी दुनिया ने कम किया लेकिन ये उस अभी भी तैयार नहीं थे, ठीक है। और हमने हमने डॉलर जो है 13.25% पे, जो दुनिया में 1% रेट है, उसमें भी हमने बोरो किए हैं इस टीम ने, ठीक है। तो मैं किसी की हुबुल वतनी पे शक नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो खुद बोल रही है, वो मैं नहीं बोल रहा, वो खुद बोल रही है कि पाकिस्तान को आपने उस भंवर में डाल दिया है, उस क्वागमायर में डाल दिया है, जिससे अब इसको निकालना जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल है। हमें 2013 में कहते थे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आपको 6 से 7 साल लगेंगे इससे निकलने के लिए, जहां हफीज शेख साहब छोड़ के गए थे, अल्लाह ताला का करम था, हमारी लीडरशिप थी मियां नवाज शरीफ साहब की, फुल सपोर्ट थी इकोनॉमिक टीम को, हमने दिन रात एक किया, हम 3 साल में से उससे निकल गए, दुनिया ने तारीफें शुरू कर दी, G20 की हमें नुईद मिल गई। अभी जो मामला है, अभी ऑलरेडी जहाँ पहुंचे हैं लोग, जो इंटरनेशनल वही सेम एक्सपर्ट जो हमसे मुझसे बात होती है, वो कहते हैं जी 7 से 8 साल लगेंगे पाकिस्तान को इससे निकलने में। अच्छा, मुझे नहीं पता कितनी देर लगी, अल्लाह को पता है, लेकिन कम से कम डायरेक्शन तो लेना जी। मैं किसी की नीयत पे, किसी की हुबुल वतनी पे शक नहीं, मैं खुदा ना खास कर रहा, लेकिन जो पॉलिसीज गलत है इनकी वो फील्ड पॉलिसीज है। आवाम के लिए जो एक और बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है वो ये है कि जिस तरह आज महंगाई है, आटा चावल की आपने बात की, क्या ये आने वाले दिनों में बेहतरी की कोई सूरत नज़र आती है या नहीं, या फिर ये कि इसमें मजीद इजाफा आप देख रहे हैं? देखें, ये तो देखें अनीस साहब, ये तो सारी की सारी दो फैक्टर्स हैं इसके, जितनी कीमतें बढ़ी हैं दो फैक्टर्स हैं, और मैं एक आध मिसाल आपको दे सकता हूँ, दो फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो ये है कि जनरल इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ऊपर हुई है, ठीक है, उसकी मेन वजह है पाकिस्तान के रुपए की कदर गिरना, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर होता है। दूसरा यह है कि इन्होंने नोट छापने जो है, जितने हमारे M2, उसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म में मनी सप्लाई ग्रोथ जो है M2, तो वो जो है वो हमारा जो था इन्होंने उसको डबल कर दिया, ठीक है। तो नोट जब भी आप छापेंगे और उसको M2 की ग्रोथ करेंगे, वो उसका एक इन्फ्लेशन के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। नंबर तीन, इस हुकूमत को ना तजर्बा है ना इसने को कोशिश की है कि ये कोई मॉनिटरिंग प्रॉपर करे कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसकी कीमत जो है होल्डर्स और जो प्रॉफिटियर्स हैं, जो माफिया है, वो उसको गैर जरूरी तौर के ऊपर ना बढ़ाए पाकिस्तान में, जितनी ड्यू है चले वो तो बनाए। चौथी, जो आपने स्कैम सुन रहे हैं, कभी आटे का स्कैम, कभी चीनी का स्कैम, कभी और स्कैम, पेट्रोल का स्कैम, वो जो स्कैम्स हैं उसकी वजह से, ये चार फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से जो कीमतें हैं वो आसमान पे चली गई और हुकूमत नाम की कोई चीज कहीं दिखाई नहीं दे रही जी, जो अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करे। हमारी एक नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी होती थी जी, हम उसके हर महीने मीटिंग करते थे, सूबे भी उसमें मेंबर थे, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के फूड सिक्योरिटी के लोग थे, मैं फाइनेंस में खुद चेयर करता था, नोटिफाइड कमेटी थी, हम देखते थे, हम तो एक ही चीज की कीमत पूरे मुल्क में 34 मार्केट्स में देखते थे कि जो डाटा आता था कि कोई वेरिएशन तो नहीं है, ये तो नहीं कि पिंडी में सस्ती बिक रही है और इस्लामाबाद में महंगी बिक रही है। फिर हम ECC में देखते थे, जिसको अगेन फाइनेंस मिनिस्टर उस चेयर मैं कर रहा था, इनका मैंने ऐसा कोई काम नहीं देखा जी, क्योंकि जब भी कोई स्पेकुलेटर्स होटल्स टाइप का काम करते हैं तो आपको अपनी स्टेट रेट इस्तेमाल करना आपकी फर्ज है, चाहे वो करेंसी के ऊपर एक अटैक हो, चंद हैंडफुल लोग हों जो इस मुल्क को होस्टेज बनाए और अपने करोड़ों अरबों बनाने के लिए मुल्क को खरबों का नुकसान दे दें, चाहे वो चीनी आटा पेट्रोल इस टाइप की चीजें हों जी। तो ये तो लोग जो है, ये तो इनको इनको परवाह ही नहीं है जी, दे आर जस्ट टेकिंग इट ईजी, इनको गवर्नमेंट चाहिए थी, गवर्नमेंट मिल गई है, अवाम चीखो पुकार है, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिए मौशी तौर के ऊपर, लेकिन मुझे अभी भी इस बजट में मैं तवक्को कर रहा था कोई मीनिंगफुल मेजर्स होंगे इस सारे सिनेरियो को चेंज करने के लिए, मुझे इसमें कोई नजर नहीं। अच्छा, मेजर्स की आपने बात की, तो असल में होता क्या है कि अपोजिशन में होते हैं, जब हजब इख्तलाफ में होते हैं, बार बैठ के तनकीद करते हैं लोग, तो लगता है आसान है कि ये जो है हुकूमत फेल हो रही है और ये सही नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज आपकी हुकूमत होती, यही मुश्किलात होती, तो आप क्या समझते हैं कि इस कुछ बेहतरी ला सकते थे, या अगर ये बजट आप पेश कर रहे होते तो
तो क्या ऐसे मोटे मोटे चंद इकदामात हैं जो शायद ये लोग सुन रहे हों और उस पर अमल भी कर लें आने वाले दिनों में, कि जिससे शायद आने वाले 6 महीने साल में कुछ बेहतरी के आसार दिखाई दें? मोटे मोटे क्या इकदाम कर सकते थे आप? जी, मैं अर्ज करता हूँ। बेसिकली ये है जी कि एक तो अगर हमारी हुकूमत होती है, अल्लाह के फल से हम जिस क्वागमायर में फंस चुके हैं, मैं फंसते ही ना, ना डिवेल्यूशन होती, ना इंटरेस्ट रेट आसमान पे जाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी भी 8% होने के बावजूद 2900 अरब, ये खुद कह रहे होंगे 1500 से 2900 अरब, 1400 अरब ह्यूज अमाउंट, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। जी और अभी हमारी हमारी जो है अपना जो कॉस्ट ऑफ इनपुट ना होती, हमारी इंडस्ट्री चल रही होती, हमारा हमारा जो मईशत का पहिया चलता। अब आ जाते हैं लॉकडाउन के ऊपर, क्योंकि पहले ये सिर्फ पुरानी हुकूमत पे मलबा डालते थे, पुरानी हुकूमतों पे बल्कि, जी और काफी अरसे डाला इन्होंने, अभी उन्होंने कोरोना ऐड कर दिया जी। क्योंकि लेकिन आप अगर बाइफर्केट करके देखेंगे ना जी, मार्च तक तो पाकिस्तान में कोरोना की कोई मसला नहीं था, बल्कि वजीर आजम तो उस वक्त कौम को ये कह रहे थे ये फ्लू टाइम होता है, यानी इससे जोक, लेकिन वो कहते थे फ्लू टाइप होता है, फिक्र ना करें, घबराना नहीं है, तो फ्लू है, ठीक हो जाएगा, पैनाडोल ले लें। बाद में उन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं करना, फिर लॉकडाउन हो गया, तो कहते हैं लॉकडाउन सही नहीं हुआ। आई डोंट नो, इट्स सो कंफ्यूजिंग। लेकिन हमें अपने फिस्कल मैनेजमेंट को हमें टाइटन करना होगा। हम अगर एवरेज मुस्लिम लीग नून दुगनी कर सकती 5 साल में आमदनी, और ये कहते थे हम 1 साल में करेंगे, इनको कम से कम 5 साल में तो प्लान करना चाहिए था जी आमदनी डबल करने का, वही मुल्क है, वही पोटेंशियल है, और इन्होंने टैक्सेस भी ज्यादा लगाए। ये कोरोना तो अभी अभी सिर्फ 2-2.5 महीने की बात है जी, कोरोना का तो ये अब सारे का सारा मलबा कोरोना पे डाल लिया। इन्होंने कह दी जी कोरोना की वजह से हमारे 3000 अरब के नुकसान हो गए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, 3 महीने में तो ये नहीं होता, 3 महीने में तो ऐसा नहीं हो सकता ना जी। जी पैकेज दिया 1200 अरब का कौम को जी, हमने पैकेज दिया कोरोना के को हेल्प करने के लिए, जैसे सारी दुनिया पैकेज दे रही है, हर मुल्क पैकेज दे रहा है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, उसमें 700 अरब की ऐसी चीजें डाल दें जो ऑलरेडी कोरोना ना भी होता तो होनी थी, यानी करीबन 300 अरब डाल लेंगे जी, हमने गंदम खरीदेंगे, वो तो हर साल हर हुकूमत खरीदती है जी। उसमें 100 अरब लोगों के रिफंड दे रहे हैं, उसको भी गिन रहे हैं हम। इनकम सपोर्ट फंड है जो हमने शुरू किया, पीपल्स पार्टी ने 40 अरब पे छोड़ा, हम उसको करीबन 124 अरब पे लेके गए, और हमने 7 यूथ प्रोग्राम 20 मिलियन के किए, अपने बैतुल माल डबल किया, तो वो सारी चीजें जो इन्होंने उसका नाम बदल दिया। ये नाम बदलने में, पुराने प्रोजेक्ट की तख्तियां काटने में, उसके फीते काटने में, जाके इनॉग्रेशन में, बस यही काम हो रहा है जी। अभी तक तो हम सिर्फ एज ए कंट्री यही कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें इनको बैलेंस करनी होंगी जी, अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करके। अब अभी मुझे एक और इंटरव्यू में को साहब कोट कर रहे थे, आपका नहीं पहले, वो कहने लगे जी कि हफीज शेख साहब ने फरमाया है कि जी ये बजट तो एक एक यानी फिगर्स का एक प्लंदा होता है, तो ये तो मनी चलता रहता है, बदलता रहता है। नो, दिस इज वेरी सीरियस, इट इज अ सेक्रेट डॉक्यूमेंट, ये पार्लियामेंट अप्रूव करती है, ये आपकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है, ये आपकी कंट्री को इकोनॉमिक डायरेक्शन देती है, ये आपके मुल्क की वेलफेयर को बताती है क्या होगा, ये बताती है सोशल सेक्टर क्या करेंगे, हेल्थ के लिए क्या करेंगे, इनकी पैथेटिक एलोकेशन है अभी हेल्थ और एजुकेशन के लिए इस बजट में, तो अब क्या किस किस चीज का रोना रोएंगे जी, ये पूरे का पूरा इन्होंने बैठा दिया इनको। मेरा तो ख्याल इनको रिविजिट करना चाहिए बजट ये, और चूंकि इसके अप्रूवल में अभी करीबन 2 हफ्ते लगेंगे, 2-2.5 हफ्ते, तो इनको इस दौरान कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रपोजल है, अभी फाइनल नहीं है, इसमें अमेंडमेंट्स होती रही हो सकती हैं, हम भी किया करते थे, तो इनको ये सारी चीजें जो हमने बात की है इसको सामने रख के इस बजट में इनको इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। वो एक बजट फाइनेंस मिनिस्टर या उसके बिहाफ पे जो भी है, वो एक वाइंडिंग अप स्पीच होती है जी। पहले तो सेनेट के पास 14 दिन होंगे, वो अपनी सिफारिशात भेजते हैं, क्योंकि उनका एडवाइजरी रोल है, उनका वोट नहीं होता हमारे मुल्क में, और दूसरा फिर जो असेंबली है वो अपनी भी अपने तौर के ऊपर भी अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं सारी पार्टीज, और सेनेट से भी आती हैं, उसके ऊपर भी वोटिंग होती है, और गवर्नमेंट का अपना प्रेरोगेटिव होता है कि जिन चीजों को समझती है कि जी कन्विंस हो जाए। मसलन अगर आज हमारी बात से ये गवर्नमेंट कन्विंस हो जाए, जो मेरा ख्याल है हो जाएगी, जिनका जितना उनके प्रेशर है, तो ये गवर्नमेंट के सैलरीड लोगों के पेंशनर के लिए कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देंगे, जो इस वक्त जीरो है। ठीक है, ये बाय द वे ये फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन है उनकी चंद हफ्ते पहले पब्लिक में ये आ चुकी थी खबर, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि जी उन्होंने कहा कि यानी सैलरीज ना बढ़ाए। ओ भाई, मैं उनसे पूछता हूँ जिन्होंने ये कहा है, उनका क्या उनके दिल नहीं है, उनका जमीर नहीं है कि मुल्क में इन्फ्लेशन हो 11-12%, और आप कहेंगे आप सैलरी ना बढ़ाएं, ये कौन सी इंसाफ है? अपने मुल्क में तो ये नहीं करते, वो अपने साथ भी ये नहीं करते, तो कम से कम तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजें शायद गवर्नमेंट वाइंडिंग अप में करेगी, और इसको करना पड़ेगा। ठीक है, हम अपना एज ए अपोजिशन पार्टी अपनी सवार शाह जो है, जो बातें मैंने आपसे की हैं,
या मैंने दूसरे प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ, हम हमारी जो पार्लियामेंट्री लीडर होंगे जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कोविड पॉजिटिव उनका टेस्ट निकला है, तो उसकी जगह पार्लियामेंट्री लीडर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब मेरा ख्याल डिबेट ओपन करेंगे आज, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो वो हमारी ये सारी चीजें हमारी आपस में जो डिबेट डिस्कशन है वो उसके नतीजे में अपना फिर अपना जो पूरे का पूरा व्यू पॉइंट देंगे जी फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली के ऊपर। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा आखिर में बस हम मैं ये जानना चाहूँगा कि आप चूँकि लंदन में मौजूद हैं और मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद हैं और उनकी कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पे आई वॉक करते हुए चाय पीते हुए और उस पर काफ़ी शोर शराबा हुआ कि जो प्लेटलेट्स का एक शोर मचा था और उसके बाद अचानक से वो सही हो गए हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त सेहत हैं, ये जो कयास आ रही हैं और अफवाहें जन्म ले रही हैं, इसको इसके बारे में कोई है आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें? देखिए अनिल साहब, ये बड़ी पैठी पॉलिटिक्स है और हमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि जितना मर्जी कोई मरीज के यानी कॉम्प्लिकेशंस हो, क्या उसको वॉक से रोका जाना चाहिए? जी जिन्होंने ये पहली जो फोटो वायरल की छुपके कहीं से ली, तो वो बैठे हुए थे अपने घर से 4-5 मिनट दूर, तो उनके साथ उनकी ग्रैंड डॉटर्स थी, उसको अकल नहीं आई कि वो क्रॉप कर लेता, नीचे से सबके जॉगर्स नजर आ रहे हैं जी, मियां नवाज के हाथ में पेपर कप है जिसपे वो शायद पानी या कॉफी जो भी पी रहे हैं जी। तो ये मैं हमें इतना पैटी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए कि जी हम ये तनकीद शुरू कर दें, ये बाहर क्यों निकले? भाई वो खुदा ना खास इज नॉट बेड रिटन जी, तो अगर उनके हार्ट की तो दो दफा ओपन सर्जरी हो चुकी है, तो वो तो कोई यानी कुछ छुपी बात नहीं है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वॉक करना, बिल्कुल जी, वॉक तो उनके लिए बल्कि जरूरी है। यानी लॉकडाउन के बावजूद यूके में तो गवर्नमेंट ने परमिट किया है कि जो जिनको जरूरत है वो लॉकडाउन के बावजूद जो सख्त तरीन था वो वॉक और जॉग के लिए एक दिन में एक दफा जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैं बड़ा अफसोस है जी कि हम ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो है, लेकिन इस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस हुकूमत और इस पार्टी को और कुछ नहीं आता, इन्होंने गालम ग्लोज ब्रिगेड रखी हुई है और मैं उसका मेरा नाम रखा हुआ है, पेड लोग रखे हुए हैं ट्रॉल्स, वो जो भी अच्छी बात होगी ना आपका प्रोग्राम भी अगर अच्छा जाएगा तो नीचे जाके ये फिर आपको और मुझे बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। हाँ, वो तो चलता है। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ये इखलाक जो है ये दीन में हमारे इस्लाम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इखलाक है। जी जी। तीन दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने पूछा कि दीन क्या चीज है, आपने फरमाया इखलाक। हमने इस यूथ का इस जो हमारी आने वाली जनरेशन है जिसने मुल्क को संभालना है उसको हमने इखलाक खराब कर दिया। तो ये जो है जी ये बड़ी मियां साहब अपना जब आपको भी पता है कि इन इन तमाम मुल्कों में मेडिकल इंटरवेंशन जो है दे आर ऑन होल्ड जी, क्योंकि सारे सिस्टम जो है वो कोविड से डील कर रहा है। बिल्कुल, मतलब मेरी अपनी सर्वाइकल इशू है, सर्जरी हम एग्री नहीं करते, फिजियोथेरेपी ऑस्टियोपैथी है वो बंद है 3 महीने से बिल्कुल बिल्कुल कोविड की वजह से, तो उनके भी तमाम जो है एक्टिव जो उनकी होनी है इंटरवेंशन मेडिकल वो सारी रुकी हुई है, प्रिवेंटिव में ये जोर है सिर्फ बिल्कुल जो उनके, तो मैं समझता हूँ कि ये हमें नहीं इस तरह नहीं हमें, लेकिन ओवरऑल उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी है, कुछ क्या सूरत हाल है? स्टेबल है जी, वो बड़े कॉन्फिडेंस वाले हैं, बड़े हौसले वाले हैं, बड़े बहादुर हैं, बुर्दबार हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज कोपिंग जी विद दी ग्राउंड रियलिटीज अभी तक, तो जी अल्लाह उनको सेहत दे और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, क्योंकि वो जब फैसला आ चुका था जुलाई लास्ट ईयर, जुलाई आपको याद होगा जब उनको सजा अनाउंस हो चुकी थी, तो उस वक्त उनकी वाइफ जो थी वो वर्चुअली डेथ बेड पे थी, शी वाज ऑन वेंटिलेटर, तो उनको छोड़ के वो और गए थे, तो इसलिए उनको ये तवक्को करनी कि जो वापस ही आएंगे, बिल्कुल वापस जाएंगे, ये मुल्क हम सबका है और ये किसी का ठेका नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह जाएंगे और इस मुल्क को अगर ये ठीक नहीं कर सकेंगे और अल्लाह ताला मौका देगा तो हम मुल्क को ठीक करेंगे इंशाल्लाह, हमने आगे भी किया है इंशाल्लाह फिर करेंगे इस मुल्क को ठीक इंशाल्लाह। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है, सबका है जी, और, जी बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और नाज़रीन ये बड़ी अहम गुफ्तगु आप और हमारे नाज़रीन के लिए भी थी और हुकाम के लिए भी थी, अरबाब इख्तियार के लिए भी थी, कि अब भी मौका है इन गुजारिशात पे, इन सिफारिशात पे गौर करें, क्योंकि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये माशियत पाकिस्तान के गरीब लोगों का मुस्तकबिल, आपका और हमारा तरक्की का एक फार्मूला है जिस पे हमें लेके आगे चलना है और इससे बेहतरी की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे और अपना नुकसान कोई भी नहीं करना चाहता, तो बेहतर है अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा, हैव अ ग्रेट इवनिंग।
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.